वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पे हमें कान्हा जी से रिलेटिव कुछ डेकोरेटिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से है जैसे कि बांसुरी। तो आज हम बनाना सीखेंगे न्यूज़पेपर से। हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यूज़पेपर की, उसके अलावा वाइट पर्ल एंड कटिंग किए हुए राउंड वाले कांच, गोल्डन पर्ल एंड सिल्वर चैन एंड वाइट स्टोन ट्राइंगल वाले, उसके अलावा वाइट स्टोन बड़े वाले रिबन एंड स्टोन छोटे वाले, उसके अलावा छोटे वाले वाइट स्टोन एंड ब्लू चैन एंड गोल्डन चैन। तो अब फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर को हम राउंड करेंगे इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो। तो फ्रेंड्स, हमने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको बांसुरी की नाप के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको सीजर की हेल्प से यहाँ से कट लगा लेती हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि ये जो यहाँ से थोड़ा ये पतला पार्ट है वो कट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। अब मैं इसको रिबन से डेकोरेट करेंगे, मतलब इसको रिबन को इस तरीके से इसके चारों तरफ लपेट देंगे और इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ ग्लू की हेल्प से इसको कवर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसको देखिए रिबन से कवर कर लिया है बांसुरी को। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइट वाले छोटे वाले स्टोन से। तो अब इसे हम ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। कुछ इस तरह से एक ये लगाएंगे, उसके बाद में एक लगाएंगे गोल्डन पर्ल। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसके गोल्डन पर्ल के बाद में फिर से हम ये व्हाइट वाला स्टोन लगाएंगे, उसके बाद में फिर गोल्डन पर्ल लगाएंगे। ऐसे करके हम इसको यहाँ तक डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने वाइट स्टोन छोटे वाले और गोल्डन पर्ल की हेल्प से इस बांसुरी को डेकोरेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक बड़ा वाला स्टोन लगाएंगे वाइट वाला। तो मैं यहाँ पे एक वाइट वाला स्टोन लगा देती हूँ इस तरह से। गोल्डन पर्ल की साइड में राउंड वाले कांच लगाएंगे, जिससे कि हमारी बांसुरी थोड़ी और अट्रैक्टिव लगे। तो मैं ग्लू की हेल्प से राउंड वाले कांच लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड वाले कांच गोल्डन पर्ल के साइड में लगा लिए हैं। अब मैं इसके गोल्डन चेन लगाऊंगी, यहाँ से व्हाइट स्टोन से स्टार्ट करूंगी कुछ इस तरह से। ग्लू की हेल्प से हम इसको चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको इस तरह से ढीला छोड़ के, इस तरह से ढीला छोड़ेंगे और ऐसे हम राउंड बनाते जाएंगे ऐसे। ये फ्रेंड्स, हमने इसको गोल्डन चेन से डेकोरेट कर लिया है बांसुरी को। अब हम जो ये बड़ा वाला स्टोन हमने लगाया है यहाँ पे, ये यहाँ पे हम इसके सिल्वर चेन लगाएंगे, ताकि थोड़ी और अट्रैक्टिव लगे ग्लू की हेल्प से। तो ये हम दो दो करके चार लगा देंगे इस तरीके से। इसको हम नीचे से लगाएंगे व्हाइट स्टोन के कुछ इस तरह से।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने ये सिल्वर चैन लगा दिए व्हाइट स्टोन के, तो हमारी बांसुरी कुछ इस तरह से तैयार हुई है। अब हम इसके जो व्हाइट स्टोन हमने छोटे वाले लगाए हैं, इनके ऊपर गोल्डन पर्ल लगा देंगे ताकि हमारी बांसुरी थोड़ी और अट्रैक्टिव लगे ग्लू की हेल्प से। बांसुरी कुछ इस तरह से तैयार हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे।